वालेकुम प्यारे तुलबा, आज हम पढ़ेंगे तितली उर्दू जमात अव्वल बाब नंबर 7 है हमारा कुकड़ों को। आज सबसे पहले हम इसकी स्टोरी टेलिंग करते हैं, कहानी सुनते हैं। इसमें क्या बताया गया है? कुकड़ों को बी मुर्गी ने दिए हैं अंडे, कुछ सफेद कुछ हैं गंदे। कुकड़ों को इनको अपने पास रखूं। कव्वे मियाँ ताक लगाए, कोई आए इसको भगाए। पर को फिलाऊं इनको छुपाऊं, अंडे अपने मैं ना दिखाऊं। कुकड़ों को अब तो यहाँ से मैं ना हिलूं। हुआ महीना पूरा तमाम, खत्म हुआ है मेरा काम। टक से टूटे अंडे गोल, निकले चूजे गोल मटोल। चूचू चूचू करते हैं, बिल्ली चील से डरते हैं। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। क्या बताया गया है इसमें? जो मुर्गी है, देखिए आपको मुर्गी नजर आ रही है, इसने क्या दिए हैं? अंडे दिए हैं। कुछ सफेद हैं और कुछ क्या हैं? गंदे हैं। उनका कलर उस तरह का है, जो रंग होता है वो अलग अलग होता है ना। और जो मुर्गी है वो कैसे आवाज निकालती है? कुकड़ों को कहती है ना मुर्गी। ये मुर्गा आप देखते हैं गली अपनियों में, वो आवाजें निकालते हैं। इनको अपने पास रखूं, किनको उसने अपने पास रखना है? अपने अंडे को। कव्वे मियाँ ताक लगाए, ये देखिए आपको कव्वा मियाँ नजर आ रहा है ना यहाँ पर बैठा हुआ। ताक लगाए यानी वो अंडों को देख रहा है कि मुर्गी ने क्या किया है, अंडे दिए हैं और वो ताक लगाए बैठा हुआ है। कोई आए इसको भगाए, भी मुर्गी कहती है कोई तो आए जो कव्वे मियाँ को भगाए, कहीं मेरे अंडे ना ले जाए। पर को फिलाऊं इनको छुपाऊं, मुर्गी क्या कर रही है? अपने पर को फिला रही है और अपने अंडों को छुपा रही है। अंडे अपने मैं ना दिखाऊं, उसने अपने अंडे जो है वो कव्वे मियाँ को नहीं दिखाने, नहीं तो कव्वा मियाँ तो उसके अंडे खराब कर देगा, तोड़ देगा। कुकड़ों को अब तो यहाँ से मैं ना हिलूं। मुर्गी कहती है कि मैंने अब अंडे दिए हैं, मैंने इनको अपने परों के अंदर छुपा दिया है, अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, क्योंकि जो कव्वे मियाँ है वो क्या कर रहा है? ताक लगाए बैठा हुआ है कि जब मुर्गी उठेगी और मैं उसके अंडे खराब कर दूंगा। हुआ महीना पूरा तमाम, खत्म हुआ है मेरा काम। मुर्गी क्या कहती है? पूरा महीना हो गया है, अब मेरा काम खत्म हो गया है। टक से टूटे अंडे गोल, ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर अंडे टूटे हुए, उनमें से क्या निकले हैं? चूजे गोल मटोल। ये देखिए आप सब बच्चों को नजर आ रहा है ना पिक्चर में, चूचू चूचू करते हैं जब चीजें वो होते हैं, मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे थे वो चूचू करते हैं ना, बिल्ली चील से डरते हैं। ये देखिए बिल्ली भी यहाँ पर बैठी हुई है और चील जो है वो उड़ रही है, और जो मुर्गी के बच्चे हैं वो क्या करते हैं? बिल्ली और चील से डरते हैं। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। उन्होंने अपनी अम्मी जान से बोला अब हम अपनी जान कैसे बचाएं। जो मुर्गी है उसके बच्चे छोटे होते हैं तो बिल्ली खा जाती है, चील पकड़ के ले जाती है उनको, और वो क्या करते हैं? बिल्ली और चील से वो डरते हैं। जब आपके घरों में मुर्गियां होती हैं ना, वो भी जब अंडे देती हैं, आप उनको बिठाते हैं ना उनके अंडों पर, ताकि उनके क्या निकले? छोटे छोटे से बच्चे निकल आए। या बुलबुल चिड़िया वगैरह जो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती हैं दरख्त पर, तो वो कौवा वगैरह से चील से अपने अंडों को छुपा कर रखती हैं ताकि वो उनके अंडे खराब ना कर दें। और जो अब मुर्गी के बच्चे निकल आते हैं छोटे, तो वो किस किस से डरते हैं? बिल्ली और चील से। जब वो छोटे होते हैं तो बिल्ली से डरते हैं क्योंकि बिल्ली खा जाती है, आपने देखा हुआ है ना, बिल्ली खा जाती है मुर्गी के बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को भी खा जाती है। उसके बाद चील है वो जो हवा से उठ के आती है और पकड़ के ले जाती है बच्चों को। आप सबके घरों में होते हैं ना ऐसा काम। आप सब बच्चों आज हमने इसकी क्या की है? कुकड़ों को की कहानी सुनी है, कल हम इसकी पढ़ाई करेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जो मुर्गी है उसने अंडे दिए हैं, कुछ सफ़ेद हैं और कुछ क्या हैं? गंदे हैं। मुर्गी कहती है अब मैं इनको अपने पास रखूंगी। कव्वा मियाँ जो है वो क्या करके बैठा हुआ है? ताक लगाए बैठा हुआ है। कोई आए इसको भगाए, मुर्गी कहती है कोई तो आए जो इसको भगा दे। फिर मुर्गी ने अपने पर फिलाए और अपने अंडों को उनमें छुपा लिया, और अपने अंडे उसने कहा मैं अपने अंडे किसी को नहीं दिखाऊंगी, अब तो मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं।
जब उसका महीना पूरा हुआ, मुर्गी का काम खत्म हो गया, अंडे टूटे, अंदर में से क्या निकल आए, गोल मटोल चूजे निकल आए, जो क्या करते हैं, चूचू करते हैं, बिल्ली और चील से वो डरते हैं और अपनी अम्मी से कहते हैं कि अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। आप सब बच्चे ने इसको एक दफा घर में पढ़ना है, कल हम इसकी रीडिंग करेंगे। ओके प्यारे बच्चों।